इससे उद्धार होता है। अगर भागवत कथा होना, कितने लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, कितने लोग प्रभु का भजन में डूबे रहेंगे। अगर भगवत कथा नहीं सुनेंगे, ज्ञान की बात नहीं सुनेंगे, फिर तो दुनियादारी की उल्टा फिट्टा जी है, फिर तो शराब पीना, जुआ खेलना, गंदी गंदी काम करना, उल्टा पुल्टा चीज में मस्त रहे। लेकिन भागवत कथा सुनोगे तो क्या होगा, ये सारे चीज से बचे रहोगे, बच्चे तुम्हारी बर्बाद नहीं बनेंगे, बच्चे तुम्हारी गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, बच्चे तुम्हारी सही रास्ता पर जाएंगे। अगर तुमने, तुम्हारे पास में बहुत पैसा है, लेकिन अगर पैसा बच्चा अगर बिगड़ गए तुम्हारी, दिन भर जुआ सट्टा बैठ कर खेल रहे, पीड़ी फूंक रहे, सिगरेटें फूंक रहे हैं, शराब पी रहे, वो पैसा की कोई महत्व है बताओ? वो शराब पैसा की कोई महत्व है कोई? अगर तुम्हारी बच्चे अगर सुधर गए, अगर तुम्हारी बच्चे अगर सुधर गए, समझो तुम्हारी पैसा कमाना किस लिए पिता माता पैसा, बच्चे के लिए पैसा कमाते हैं। अगर बच्चे तुम्हारी सुधर गए तो कहते भैया घर में रामायण जैसे ग्रंथ हो, सीता जैसे घर में बहू हो, अगर राम जैसे घर में बेटा हो ना, कहते वो घर नहीं वही भगवान की धाम है, वही गोलोक वृंदावन है, वही वैकुंठपुरी है। अगर घर में रामायण ग्रंथ हो, देखो ध्यान देकर सुनो माताएं, ध्यान देकर सुनो। एक समय किसी ने आकर के हमारे बड़े गुरुजी, जो बड़े गुरुजी है ना, किसने कहा गुरुदेव बेटा बात नहीं सुनता है। देखो हमारे बड़े गुरुजी क्या बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा, यही दुर्गति उसको भोगना पड़ेगा। अगर बेटे को रामायण पढ़ाते, रामायण में लिखा हुआ प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, पिता माता की चरण की पूजा करते थे, गुरु जी की। रामायण आप लोग टीवी में देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो टीवी में? अब देखना जब दशरथ महाराज शयन करते हैं, भगवान स्वयं अपना पिताजी की चरण की सेवा करते हैं, भगवान होकर के पिताजी की सेवा करते हैं, और पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल के लिए ठाकुर जी वनवास गए। अपना बेटे को बोलो 14 साल की 14 दिन के लिए जा, अपना मन मर जिसे तो 14 दिन के लिए घूमने जाएगा, लेकिन पिताजी की आदेश, माँ की आदेश के लिए 1 दिन भी नहीं जा सकता। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे बेटा रामायण पढ़ते हो? नहीं। बोले बच्चों को पढ़ाते? बोले नहीं। अगर पढ़ोगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, स्मार्टफोन दे दिया, एक बना स्मार्टफोन पकड़ा दिया बच्चे 10-20 हजार की स्मार्टफोन पकड़ा दिया, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाए, लेकिन उसको गीता पढ़ने के लिए नहीं बताया, इसको रामायण पढ़ने के लिए बताया। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, बोले अगर तुम चाहते हो बेटा तुम्हारी बुढ़ापा में लपटी बन, क्या था हाथ में लठिया बनी, नहीं तो लठिया नहीं, लठिया सर पर पड़ेगा, हाथ में नहीं, वो तुम्हारी सर पर लठिया पड़ेगी तुम्हारी। ये गुरु जी कहते थे, अगर बच्चों को संस्कारी बनाना चाहते हो क्या करो, घर में नियम बनाओ, घर में रामायण पढ़े, गीता पढ़े, बच्चों को एक माला जप करने के लिए बताओ घर में, स्कूल जाने से पहले एक बोले के माला जप करके जाओ, जब उसको स्मार्टफोन पकड़ा सकते हो और उसको हैं, उसको इधर उधर चीज दे तो स्कूल, जब जोर बच्चों को स्कूल भेजते कि नहीं, बोला बिठाया भेजते ना, जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते ना। अब देखो ध्यान देकर, जब बच्चा थोड़ी सी ज्यादा लिखाई पढ़ाई सीख जाए ना, क्या बोलता है पिता माता, बोले तुम मूर्ख हो, कमार हो, तुम कुछ लिखे पढ़े ही नहीं, हमने PhD की, इंजीनियर डॉक्टर हमने किया है, तू क्या समझती हो। बच्चे को कभी कभी हम इतनी पढ़ाई कर करा देते हैं, बच्चे हमें नफरत और बच्चे हमें नेग्लेक्ट करते हैं, बच्चे को इतनी पढ़ाई हम लिखाई कर देते हैं। भैया अगर बच्चों को इतना पढ़ाई लिखाई कर सकते हो तो बचपन में अच्छे संस्कार नहीं डाल सकते? अरे बेटा एक माला करो, देखो नोएडा, ये पास में नोएडा, देखो आप कथा सुनो माताएं और पिताएं ध्यान देकर सुनो, उन्होंने 2 बेटे को अमेरिका में भेजा लिखाई पढ़ाई सीख, आप सुने होंगे, 2 बेटे को अमेरिका में भेजा लिखाई पढ़ाई सीखने के लिए, उनको वही संस्कार मिली। नोएडा में उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत करोड़ों करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी थी। एक दिन दोनों बच्चे परामर्श करके नोएडा में आए, बोले पिताजी माताजी आप दोनों क्यों यहाँ रहेंगे, चलो सारे संपत्ति को बेच डालो, आप अमेरिका में 2 सेट हो गए, अब हमारे पास में रहना।
बच्चे पहले जमाने की पिता माता सारे संपत्ति बेचता है, करोड़ रुपया बेचवा दिए, और दोनों पिता माता को चलो अमेरिका जाएंगे, उनको लेकर के एयरपोर्ट के सामने खड़े कर दिए, बोले हम ट्रॉली लेने के लिए जा रहे हैं सामान को लेने के लिए। लेकिन देखा 10 मिनट हो गया आई नहीं, आधा घंटा हो गया आई नहीं, 1 घंटा हो गया आई नहीं, 2 घंटा हो गया आई नहीं। उन्होंने फोन लगाया, फोन लगा करके देखा दोनों बच्चे सारे संपत्ति बेचवा करके सारे पैसा लेकर के दोनों अमेरिका चले, और पिता माता को मेन रोड में खड़े करके चले गई, और लास्ट में वो दोनों ओल्ड हाउस में जा करके दोनों ओल्ड हाउस में जीवन बिताए। समझ रहे हो, अगर बच्चों को संस्कार ही नहीं बनाओगे बुढ़ापा में लड़कियां नहीं को सर मर पड़ेगा। इसलिए अगर चाहते हो बुढ़ापा में बच्चे हमारी सेवा करे, संस्कार ही बनाओ, भागवत गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, उनको बोलो एक माला जप करो, हैं? जब इतने पढ़ाई करते हो बच्चे हमें नेग्लेक्ट करते, पर बचपन से संस्कार क्यों नहीं बनाते, ठीक है ना। बच्चों को बोलो एक एक माला करे, स्कूल में जाए, देखना जो बच्चा माला करेगा ना, जो बच्चा माला करके स्कूल जाएगा ना, वो बच्चा पढ़ाई भी बहुत बढ़िया करेगा। देखो हम जिनके घर में रुके हैं, श्री विनोद जी के घर में रुके हैं, आप देखो उनका एक बेटी, देखो अभी वो डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको बेटा भी डॉक्टर के लिए तैयारी कर रहा है, गले में कंठी है, तिलक लगाते हैं, हरिनाम करते हैं, घर में जब आरती उतारते हैं, देखना उसका बेटी एक मेरी कथा भी आपको सुनाऊंगा। अगर आप संस्कारी बनोगे, भक्त बनोगे ना, जितना तुम्हारी घर नहीं उनको घर में जाओ, बगैर ठाकुर को भोग में कोई खाना नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन नहीं, चाय तक भी नहीं पीते, उनके बच्चे हरिनाम करते हैं, तिलक लगाते हैं, भजन करते हैं, आप जाकर घर में देखो जिनके घर में हम रुके हैं, अगर बच्चों का संस्कारी बनाओगे ना, पढ़ाई भी बढ़िया करेंगे, इधर उधर गंदी चीज में मन नहीं लगाएंगे, हैं? पिता माता की आदेश पालन करेंगे, सवेरे उठ करके तुम्हारी प्यार अच्छी होगी, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को अच्छे बनाओ। देखो पहला संस्कार पिता माता से पड़ता है, पहला गुरु कौन है, पिता माता है, पिता माता पहले संस्कार पिता माता से। अगर पिता माता भजन करेंगे तभी तो बच्चे देखकर भजन करेंगे, अगर खुद नहीं करोगे, दिन भर टीवी खोलकर बैठे हो, इधर उधर की बच्चे के ऊपर संस्कार कहाँ से पड़ेगा बताओ। इसलिए पहले गुरु पिता माता, पहले माला खुद करो, फिर बच्चों को बोल सकते हो बेटा एक माला जप करो। अगर खुद अगर माला नहीं जप करते हो, बच्चों को बोलोगे माला करने के लिए, करेगा कभी, वो कभी करेगा नहीं। पहले स्वयं करो अपना जीवन में, फिर बच्चों को बुलाओ, फिर तुम्हारी घर नहीं घर भगवान की धाम बन जाएगी। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम। इसलिए श्री सोनकाज ऋषियों ने प्रश्न किया था कलयुग में, भगवान को अगर कोई पाना चाहते हो सबसे सरल उपाय क्या है। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकोत भयम्, जोगिनाम नृप निर्मित हरे नामानुकीर्तन। भगवान कलयुग ने सबसे सरल उपाय रखा, जानते हैं कलयुग का जीव इतने कठोर साधन भजन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ठाकुर जी बोले भैया ज्यादा कलयुग में ज्यादा परिश्रम मत करो। सत्ययुग में था ध्यान, आप देखना कलयुग में मन इतने चंचल है, 1 मिनट भी ध्यान में नहीं लगेगा, इतने चंचल है, और बिना खाए भी है। पहले ऋषि लोग 10-10 हजार 20-20 हजार साल तक बैठ करके तपस्या करते थे, आप देखना कलयुग में 1 दिन अगर व्रत रखो ना, किसको बोलो भैया ये काम करो, बोले आज हमने व्रत रखा है, आज हमने व्रत रखा, मतलब 1 दिन भी उपवास नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी बोले ये असंभव। तृतीया युग में यज्ञा, अभी यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी चाहिए, लिखा तो होगा शुद्ध घी लेकिन सब मिलावट है, फिर देवता लोगों का स्वीकार कैसे करेंगे। हवन सामग्री उसमें भी मिलावट है, जो ब्राह्मण हवन करेगा वो भी गुटखा खाता होगा, बीड़ी फूंकता होगा उल्टा पुल्टा, उसका मुंह से मंत्र भी शुद्ध नहीं निकलेगा, फिर मंत्र भी उसको पता ही नहीं, ये भी उल्टा पुल्टा है, फिर एक यज्ञ करने के लिए भैया कितने पैसा लग जाएगा। इसलिए भगवान देखा कलयुग में यज्ञ भी असंभव। द्वापर युग में था अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए
रोज आपकी दूध दही शहद घी चीनी है, फूल धूप दीप नैवे, तो इतना कहां से लाएंगे कलयुग? इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में ऐसे एक उपाय रखो जो बिना पैसा बिना खर्चा में जो साधन भजन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर की सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी का नाम लो। इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम बस बड़ा पार है। बस कलयुग में केवल प्रभु का नाम जप करो। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं बोले कलयुग के बलना मां आधारा, कलयुग के बलना मां आधारा, आ कलयुग के बलना मां आधारा, कलयुग के बलना पवित्र हो तभी नाम ले सकते। ठाकुर बोले कोई बात नहीं, अपवित्र पवित्र हर अवस्था में मेरे नाम को तुम जप कर सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं।
लेकिन महाप्रभु कहते भैया मैंने इतने सरल कलि युग में नाम कर दिया, लेकिन तभी भी ये कलि युग का जीव हरि नाम नहीं करते, तब भी कलि युग में प्रभु का नाम नहीं जप करके बैठ करके सारा दुनिया की गप्पे मारने लग जाए। लेकिन ये बोलेंगे भैया कि माला जप करो, बोले समय कहाँ है माला जप करने का, तभी हरि नाम नहीं करते। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अगर ये कलि युग में मैंने इतने सरल उपाय रख दिया, अगर ये कलि युग में प्रभु का नाम लेकर के अगर तुमने उद्धार नहीं की तुम, फिर तो तुम्हारी करोड़ों करोड़ों जन्म भी तुम्हारी कोई उद्धार होने का चांस नहीं। और ये जो कलि युग है, ये कलि युग धन्य कलि युग है। क्या बोलते हैं कलि युग को, ये धन्य कलि युग है। बोले क्यों, बोले ये कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु कलि सामने बैठ के बात करते हैं, ये घर में बात करके पेट भरा नहीं, यहीं पर आकर बात कर ली। इसलिए बोले ये धन्य कलि युग है, क्योंकि ये कलि युग में स्वयं भगवान कलि युग में ठाकुर जी महाप्रभु रूप में आए। दूसरे दूसरे युग में बड़ी कठोर तपस्या थी, लेकिन ये कलि युग में सबसे सरल उपाय बैठ कर भगवान की नाम को जप करो, ज्यादा कोई परिश्रम नहीं। इसलिए आप लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक दिन इनकी भक्त लोगों ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपकी भोजन है। महाप्रभु एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु किसके घर में भोजन करते हो, बोले जो लखपति बनेगा। बोले आज से 550 साल पहले लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो कह रहे हो 1,00,000 रुपया जिसको घर में हो, मतलब 1,00,000 स्वर्ण हो, हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, इसका मतलब हमारे घर में आप खाना ही नहीं खाओगे। तो भगवान कहते हैं, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते, 1,00,000 जो ठाकुर जी की नाम जप करते वो असली लखपति है। इसलिए बीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो नाराल हुए। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना भैया थोड़ा माला जप करो, बोले नहीं बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा देना ना, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर रखना। हमारे गुरु जी कहते थे भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा कर मत रखा गया, क्योंकि बच्चा होनहार होगा तो कमाएगा, अगर होनहार नहीं होगा ना, जितने पैसा तुम रख करके जा रहे हो जुआ शराब और सट्टा लगा कर सब खत्म कर रहे, मेरे गुरु जी कहते थे। इसलिए ऐसे धन कमाओ जो इसी जीवन में भी काम आएगा, दूसरे जीवन में भी काम आएगा। आप मेरे तरफ में देखो, ये भगवान स्वयं समझा रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना करोड़पति कौन बनेगा, अमिताभ बच्चन बोलता था ना कौन करोड़पति बनेगा, इधर देखो भगवान कहते हैं लखपति कौन बनेगा। देखो माला को, इसमें 108 मोतियां हैं, इसमें 108 मोती है। जैसे ये माला जब करते हैं ये अंगुल को बाहर निकाल कर रखते, क्यों, ये अहंकार का प्रतीक है। हम कहते हैं ना तेरे को देख लेंगे, मेरे को तुम क्या समझते हो, पहले ये अंगुल निकलता, ये अहंकार का प्रतीक है। इसलिए अंगुल को बाहर निकाल करके ये बीच वाले अंगुल में ये माला रखते हैं। जैसे हरे कृष्ण आप लोग मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जैसे यहाँ पर खत्म हो जाए इसको पार नहीं करना, क्योंकि ये राधा कृष्ण का रूप है और ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है। बीच में राधा कृष्ण को रख करके ये रास कर गए। इसलिए यहाँ आ करके इसको फिर घुमा लो। अगर ऐसे 16 माला अगर आपने कर लिया, हिसाब से हो गया 25,000,
अगर 64 माला कर लिया ना, हो गया 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं, बोले तुमने 1 लाख नाम नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिटी होगी। भगवान खुद ये बात को कहते हैं। फिर भैया इसका ब्याज कितना मिलेगी? बोले दीना दीना बड़ा सबाय पायो जी मैंने राम रतन भर पायो। इसलिए मीरा कहती आज अगर 1 लाख लिया ना, कल तुम्हें 1.25 लाख और 4 दिन में 2 लाख। ये धन इतने तेजी से बढ़ती है, इतने तेजी से। इसलिए देखना हमारी भारत संस्कृति में जब शरीर छूटेगा, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग सुने हो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गते है, सब कोई बात जीता है। बोले बेटा जितने तुमने राम का कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं। इसकी सेवा तुमने जो कुछ किए हो, तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में नहीं जा रही है। इसलिए सवेरे उठ करके थोड़ी समय प्रभु का नाम जप करो, ठीक है ना। एक एक माला, कम से कम 1 माला भी जप करो। और जो लोग मेरे से हरिनाम लिए, माला लिए हो, जो लोग माला लिए हो, देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जब गुरु जी से हमने माला लिए, माला नहीं, भगवान कृष्ण हमारे पास में आए, ठाकुर जी आए। अगर एक दिन अगर ये माला आपने नहीं जप किया, मतलब किया, ठाकुर जी भूखे रह गए। ये माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए, इसलिए रोज कुछ ना कुछ माला जप करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सवेरे उठ करके कम से कम जो पुराने लोग तो ज्यादा करना, अभी जो लोग शुरुआत नहीं किए हो, कम से कम 10 मिनट दो, कम से कम ठाकुर के नाम के लिए 10 मिनट सवेरे दो, खुद जप करो। देखना जैसे आप माला लेकर बैठोगे, अगर तुम्हारे घर में छोटा बच्चा होगा ना, वो भी माला लेकर बैठेगा, बोले मैया कर रही है, पिताजी कर रहे हैं। अगर खुद नहीं करोगे उसका संस्कार कहाँ से बढ़ेगा? वो पड़ेगा नहीं संस्कार। इसलिए पहले पिता माता को पहले करना पड़ेगा, फिर बच्चे जाते हुए पिता माता से। देखो इधर, बोले एक समय कोई एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, इतने गुड़ खाता था पिता बोलने पर भी नहीं मानता। अभी तो पिता बड़ी चिंता में पड़ गए, देखा तो रोग बीमारी पड़ जाएगा, धीरे धीरे बीमार पड़ना लग गया। पिताजी बोलता वो सुनता नहीं। उसने बच्चे को लेकर के एक संत के पास में गया, बोले बाबा ये बेटा बहुत गुड़ खाता है, मेरी बात नहीं सुनता, देखो इसका चेहरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है, इसको बोल दो ये गुड़ नहीं खाए। संत ने कहा देखो तुम 7 दिन बाद में आना, फिर मैं बोलूंगा। अभी वो व्यक्ति 7 दिन बाद में गया, जब 7 दिन बाद में गया, मैं बोल दो बेटे को गुड़ नहीं खाए, तो संत ने कहा देख बेटा गुड़ मत ज्यादा खाया करो, क्योंकि खाओगे ना बीमारी पड़ जाओगे, इतना खाना अच्छा नहीं। अभी उसको पिताजी ने पूछा, महात्मा जी मैं जब 7 दिन पहले मैं आया था, आप उसी समय क्यों नहीं बोले, 7 दिन बाद में क्यों बोले? बोले देखो मैं भी ना 7 दिन पहले ज्यादा गुड़ खाता था, मैं भी ज्यादा गुड़ खाता था, जब मैं स्वयं ज्यादा गुड़ खाऊंगा, अगर उसको बोलूंगा तो गुड़ मत खाया करो, वो कथा की असर नहीं पड़ेगी, मैंने 7 दिन में कंट्रोल कर लिया, गुड़ खाना पूरा छोड़ दिया। इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ भैया तो गुड़ मत खाया करो। इसलिए पहला जो गुरु पिता माता, अगर पिता माता माला जप करेंगे, अरे बच्चे को हम बोल सकते बेटा 1 माला तो जप करो, ठीक है ना। क्या करना, सवेरे नहा धो करके, संतों का कहना है तुम 100 काम छोड़ करके अपना काम करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन करो, और करोड़ों काम छोड़ करके भजन करो, करोड़ों काम छोड़ करके भजन करो, क्यों यही तो जाएगा ना, जो चीज साथ में जाएगा उसको फिर क्यों नहीं करना, ठीक है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जोर करके आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा। देखो इसमें 3 नाम है,
मालूम मिलेगा। पहला शब्द हरि, बोले हरि मतलब क्या? बोले हरि का नाम संबोधन होता है हरि। हरे मतलब है जीवन का जितने तुम्हारी दुख कष्ट है, घर के जितने क्लेश है, हरे मतलब होता है जो हरि हरण कर ले। हरे नाम बोलने पर दुख कष्ट जाएगा। दूसरा नाम कृष्णा, कृष्ण का मतलब क्या? मन बड़ा चंचल है, मन भटकता रहता है इधर उधर। क्री बोलने पर ये भटक तो ही मन को जो भटक नहीं दे उसको खींच करके ले आए। और स्ना मतलब होता है आनंद। रामा मतलब सभी का हृदय में जो रमण करते हैं और जीवन में हमें जो आराम, इसलिए उसमें हरे कृष्ण राम तीन नाम है। जब ये तीनों नाम को करोगे ना आपका तीन फल मिलेगा। हरे बोलोगे दुख जाएगी, कृष्ण बोलोगे मन को चंचल मन बस आनंद मिलेगा, राम बोलेगा तो जीवन में तुम्हें आराम मिलेगा। अगर तीनों नाम करोगे ना कि हरे कृष्ण महामंत्र, तुम्हें तीन वस्तु की प्राप्ति होगी। इसलिए आप लोग स्वयं सवेरे बैठ करके प्रभु का नाम जप करो, देखना अपने आप जो दुख को तुम दूर नहीं कर सकते ठाकुर जी वो दुख को दूर कर देंगे। और घर में शांति सुख, घर में जिस घर में ठाकुर का नाम कीर्तन होना वही घर ही भगवान की धाम बन जाती है, भगवान की धाम बन जाती है। और आप लोग कोशिश करना, अभी हम लोग आली गांव गए थे, अभी माता जी बैठे थे ना, कहाँ गई है? अभी हम लोग आली गांव गए थे कथा करके आए, उन लोगों ने हमें अपना घर घर में बुलाया और हमने उनके सारे बच्चों को घर में बैठा करके सारे बच्चों के लिए अलग क्लास लिया, सारे बच्चों को बैठा करके समझाए। और जितने आली गांव के बच्चे थे ना सबके सब माला लिए, बोले बाबा हम माला जप करेंगे, हम माला जप करेंगे, मांग मांग करके बच्चे लोग सबके सब माला लिए। और जगन्नाथ जी रथ यात्रा हुई ना, वो जितने यंग बच्चे थे वो सारे सारे यंग बच्चे आकर के जगन्नाथ की रथ यात्रा में, इन लोगों ने हर तरह से जगन्नाथ की रथ यात्रा में मदद की। इसलिए अगर आप लोग भी अगर होगा तो हम लोग को बुलाना घर में, बच्चों को बैठाना। बच्चे तो आप तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे लेकिन हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि घर के पिता माता है ना, ये क्या हमें बोलेंगे, कितना घर की जोगी जोगना आन गाँव के सिद्ध है। इसलिए बुलाना आपको, बच्चों को हम समझाएंगे, भक्ति करें, भजन करें। और सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण छो, पहले उठ करके क्या करें, पहले पिता माता की हम हर घर में जा करके बोले, सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छुआ करें। कौन कौन चरण छूता हो पिता माता के? हाथ उठा, सास ससुर हो नहीं तो पिता माता हो, कौन चरण छूते हो? देखो जब पिता माता के सास ससुर चरण छुएंगे ना तो उनकी कृपा से चार वस्तु मिलेगा, बोले जस मिलता है, बल, आयु और अर्थ धन। उसकी घर में ये चार चीजें मिलती है जो सवेरे सास ससुर को हो नहीं तो पिता माता की जो चरण छूते उनकी चार वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सारे बच्चों को शिक्षा देकर के आए, सारे बच्चे सवेरे उठ कर कभी चरण छूते हैं पिता माता, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। अभी हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। और देखो आप लोग से एक प्रार्थना है, आप लोग से एक प्रार्थना, ये प्रार्थना है अगर हम लोग चाहते हैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो कथा की, अगर आप लोग टाइम से आओगे, हाँ अब अगर टाइम से आओगे ना फिर हम भी टाइम से आएंगे, हम भी ज्यादा जब यहाँ पर सब कुछ कथा के बाद में प्रसाद की व्यवस्था है आपके, कोई चिंता नहीं, घर से बच्चों को लाओ, घर से पतियों को लाओ, सबको लाओ, कथा सुना, यहाँ जब प्रसाद मिलेगा है फिर तो थोड़ी सी पहले आ जाओ, फिर ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ देखो जितने हमारे गुरु भाई बहन, हरि बोल इधर सुना, जितने हमारे जो गुरु भाई बहन है ना, आप लोगों के लिए अलग व्यवस्था किया है बैठा करके हमको प्रसाद खिलाने का। ये आरती के बाद में आप लोग आ जाना, ये घर को पीछे आपके लिए हमने बैठा करके खाने का व्यवस्था की। और जितने माताएं हैं आपके लिए व्यवस्था की गई, आपको प्रसाद दे देंगे, प्लेट में सबको प्रसाद देंगे लाइन करके। ये प्रसाद को आप यहाँ बैठ कर भी खा सकते हो नहीं तो आप इसको घर में भी ले जा सकते हो, आपके मन में जैसे इच्छा होगी आप वैसे कर सकते हो। और सबसे पहले आप जो गुजर समाज है आपको पहले आप लोगों को प्रसाद हमको लाइन दे करके आपको यहाँ पर अच्छे तरह से आपको सभी को प्रसाद दी जाएगी, ठीक है। आप लोग लाइन करके आरती के बाद में सबके सब जाना, अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे।
और ठाकुर जी की आरती होगी, प्रसाद लेकर जाना, सबके सब खड़े हो जाए, बस इस घटना कल से 5 बजे आ जाने की, ठीक है। भागवत महा